आशिक आवारा नमस्कार दोस्तों, ये पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी अपने मोबाइल में न्यू ट्रेंडिंग डीजे स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा, तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपके जो भी पोस्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने इधर से पोस्ट है वो ऐड कर लेता हूँ, उसी तरह से आपको भी अपने पोस्ट है वो ऐड कर लेना। उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तीर वाला, तो वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। तो और इधर ऊपर आपको ओरिजिनल लिखा वहाँ क्लिक करना है और 16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से ऊपर आपका म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपना म्यूजिक ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर म्यूजिक बीट लिखा वहाँ क्लिक करना है, ऐसे आपको बीट ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं बीट ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से बीट ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आपको एक यस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो वो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट रहेंगे वो बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से आ जाएंगे। तो इधर से आपको अपने थोड़ा जूम कर लेना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने वीडियो को थोड़ा जूम कर देता हूँ, जो कि हमारे पोस्ट रहेंगे वो सही से हम ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो वहाँ से आपको अपने नया बीट ऐड हो रहा है, तो वहाँ तक आपको दूसरा या से आपको इफेक्ट ऐड करना चालू कर देना है, जो कि आपके वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से आपको दोस्तों अपने इफेक्ट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड कर देते हैं हम पहले अपने बीट के हिसाब से आपको अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। उतना करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से कर देना है, या से आपको अपने बीट के हिसाब से आपको फोटो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से मैं इधर आपको अपने बीट के हिसाब से फोटो ऐड कर लेता हूँ। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अलग तरह का इफेक्ट है, जो कि आपके वीडियो में 13 सेकंड तक अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको जहाँ पर आपके अलग बीट पड़ना चालू हो जाएंगे, तो वहाँ से आपको अपने वीडियो को कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं अपने वीडियो कर देता हूँ। और इतना करने के बाद दोस्तों इधर देख सकते हो उसी तरह से आपको अपने वीडियो कर देना, और यहाँ से आपको अपने ये छोटे वाले बिट दिख रहे हैं उसमें आपको कुछ इसी तरह से इफेक्ट है वो कोई इसी तरह से अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड कर देना है, जो कि देख सकते हो दोस्तों इधर से आपको साइड राइट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से आपको ये इफेक्ट वहाँ तक कर देना है जहाँ तक आपका दूसरा इफेक्ट ऐड ना हो। तो दोस्तों इधर से आपको सभी में ये इफेक्ट ऐड कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ तक आपके जहाँ पर छोटे बिट ऐड होना चालू हुए, तो इधर से आपको इफेक्ट है वो कुछ अलग तरह का इफेक्ट ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो ये छोटे वाले बिट ऐड हो रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ अलग तरह का इफेक्ट ऐड कर देना है। तो इधर से आपको इधर एक आपको ये फ्लक्स का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो ये आपको पूरे में 13 सेकंड तक वो इफेक्ट ऐड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इधर से आप देख सकते हो यहाँ तक आपको वो इफेक्ट ऐड कर देना है, और यहाँ से आपको अपना इफेक्ट है वो कुछ अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से हम फोटो को कुछ इसी तरह से कर देंगे, और इधर से आपको दोस्तों अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड कर लेना है, जो कि देख सकते हो दोस्तों इधर से आपको अपने फोटो को डबल जो कि कट कर देना बीच में, तो आप इस पर आसानी से अलग इफेक्ट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इधर से आपको फोटो को कट कर देंगे और यहाँ पर पहले वाले में आ जाएंगे, और यहाँ से आपको अलग तरह का एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से आपको पहले वाले में कुछ इसी तरह का इफेक्ट है वो फ्लैक्स वाला वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों उसी तरह से आपको इधर आपको 3 इफेक्ट है वो ऐड कर लेने हैं। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको ऐड कर दूंगे, तो इधर से आपको अपने फोटो को और कट कर देना है, और उसी तरह से आपको इधर से आपको एक और इफेक्ट ऐड कर देना है, जो कि इधर से आपको जूम आउट का एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों इसे फुल कर देना, और उसी तरह से इधर भी आपको 2 डबल इफेक्ट ऐड कर देना है, और उसी तरह से इधर से आपको एक अलग तरह का इफेक्ट रहेगा वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों इधर से आपको शेक इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है, उसी तरह से इसे जूम कर देना है, और यहाँ पर आपको दूसरे में कुछ इसी तरह से जूम आउट का एक इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो वो आपको पूरे में ऐड कर लेना है। और उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों आपको जब तक आपका दूसरा बिट ऐड ना हो, वहाँ तक आपको ये इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से ऐड करने के बाद दोस्तों आपको एंड वाला ऑप्शन पर आ जाना है, यहाँ पर आपको एक अलग तरह का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर आ जाना है, और यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपको एक जटर अप का इफेक्ट है तो वो ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको एंड तक वो ऐड कर लेना है। उसी तरह से आप अपने मोबाइल में एक आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियो ऐड कर लेना है, जो कि देख सकते हो उसी तरह से क्योंकि वीडियो स्क्रीन पे देख रहे थे उसी तरह से बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों इधर से मैं पहले अपने मोबाइल में एक ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं इधर से एक
ब्लैक स्क्रीन इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ जो कि आपके वीडियो में बहुत अच्छा दिखेगा। और उसी तरह से दोस्तों इधर से मैं ब्लैक स्क्रीन ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो कुछ इसी तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इधर से आपको कुछ ही देर में आपका वीडियो रहेगा वो ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आ जाएगा। तो इधर से हमको इस ब्लैक स्क्रीन को जूम कर देंगे और जूम करने के बाद दोस्तों नीचे ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन एक देखने को मिल जाएगा, तो उधर क्लिक कर देना है या से स्किन कर देना है। स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो कुछ इसी तरह से बनकर रेडी हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो ऊपर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना या से यस पर क्लिक कर देना, जो कि वीडियो रहेगा वो आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।